सच्चाई की जीत हुई है और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। आपकी पार्टी आपकी पिछड़ गई है, सरकार नहीं बन पा रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अभी वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी सारे रिजल्ट नहीं निकल के आए हैं, एक एक सीट निकल के आ रही है। पहले हमारा भी पीछे चल रहा था लेकिन हम भी लीड में आए हैं, तो अभी रिजल्ट चल रहे हैं, अभी क्लियर नहीं हुआ। जब सर्टिफिकेट हाथ में आएगा तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। राजनीति में कंटिन्यू रखेंगे या खेल की तरफ भी देख सकते हैं? राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे। लोगों ने प्यार प्रेम दिया है, उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के। ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीजें कर सकते हैं। कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, किसी को पूछने दो एक बार। शहर के लिए क्या क्या करेंगे? शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं चाहे नौजवान है, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। खेल के लिए सर क्या प्रार्थना करेंगे, आप क्या चाहेंगे सर? वो आगे का सवाल है।